हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं एक और नया एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है कॉप कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स। पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखनी है बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में आपको बताई है। अब मैं इंपॉर्टेंट लाइन जो है हाईलाइट करूंगी, वो आपको ध्यान से सुनने हैं। कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है इंटेग्रिटी को प्रमोट करना। कहाँ पे? रिसर्च एंड पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस में। बेसिकली ये एक ऐसी, नाम से ही आपको समझ आ रहा है, कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, मतलब एथिक्स के ऊपर एक कमिटी बनाई गई है। तो मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्टी को प्रमोट करता है। जो भी हम रिसर्च एंड पब्लिकेशन की प्रैक्टिसेस है कि हम अपना सारा काम जो है ईमानदारी से करें। बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, जो इसका मिशन क्या है कि टू डिफाइन बेस्ट प्रैक्टिस इन द एथिक्स ऑफ स्कॉलरली पब्लिशिंग टू असिस्ट एडिटर्स एंड पब्लिशर्स, मतलब जो भी एडिटर्स हैं जो भी पब्लिशर्स हैं उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एथिक्स बताना। मतलब कि वही सेम चीज़ कि हर काम जो है ऑनेस्टी से हो, इंटीग्रिटी से हो, कोई भी उसमें जो है दिक्कत ना हो, प्लेगरिज्म ना हो, फैब्रिकेशन ना हो। तो अब तक आपको क्या समझ में आया इस स्लाइड का जो है? आपको साथ के साथ सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, बस आपको वीडियो पूरा देखना है। कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसको प्रमोट करता है? इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है। कहाँ पे? रिसर्च एंड पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस के अंदर। इसका मिशन क्या है कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है एथिक्स में वो बाहर निकाल के आना ताकि एडिटर्स और पब्लिशर्स को बहुत आसानी हो। अब मैं बात करूँ इसके कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉप इज रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल कंपनी। इसको चैरिटेबल कंपनी, देखो अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो 19, ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा था कि 1997 में जो बेसिकली मेडिकल जर्नल है उनके एडिटर्स ने इसकी शुरुआत की थी ताकि वो एथिक्स इश्यूज वगैरह को, एथिक्स वगैरह को डिस्कस कर सके। बट लेकिन ये रजिस्टर कब हुआ था? कॉप इज रजिस्टर्ड एज अ चैरिटेबल कंपनी कब जो है वो यूके में रजिस्टर हुआ था, और कब रजिस्टर हुआ था? 3 अक्टूबर 2007 को। इसमें जो है बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एजुकेट एंड एडवांस नॉलेज इन मेथड्स ऑफ सेफ गार्डिंग द इंटेग्रिटी, मतलब इंटेग्रिटी को, द क्वालिटी ऑफ बींग ऑनेस्ट को बचा के रखना बेस्ट बेनिफिट के लिए, पब्लिक के लिए। ठीक है, अब इसकी जो इनकम है जनरली वो सब्सक्रिप्शन फीस से आती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन समझ आया। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि कॉप जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है? बेसिकली इंटीग्रिटी प्रमोट करना। कहाँ पे? रिसर्च एंड पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस में। ये कब रजिस्टर हुआ था? ये रजिस्टर हुआ था 3 अक्टूबर 2007 को। इसका मेन मकसद क्या है कि जो एजुकेट करना, नॉलेज को एडवांस करना, कहाँ पे? ताकि इंटीग्रिटी जो है वो आपकी सेफ रहे, प्रमोट अच्छे से हो। अब इसको गवर्न करता है बेसिकली कॉप जो है वो इज गवर्न्ड बाय ट्रस्टी बोर्ड। अब गवर्न का मतलब क्या होता है? बेसिकली टू इन्फ्लुएंस, टू कंट्रोल, या फिर जो है टू मैनेज द पब्लिक अफेयर्स। गवर्न का मतलब ये होता है। तो कॉप को जो है कौन मैनेज करता है, कौन गवर्न करता है? एक ट्रस्टी बोर्ड होता है। बेसिकली देयर कैन बी अ 12 मेंबर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल, लीगल एंड बिजनेस ऑपरेशन। मतलब उसका सब कुछ, फाइनेंस से लेकर लीगैलिटी से लेकर बिजनेस ऑपरेशन से लेकर, उसको मैनेज कौन करता है? उसको मैनेज करता है ट्रस्टी बोर्ड। ठीक है, और ये ही अथॉरिटी देता है, ट्रस्टी बोर्ड ही अथॉरिटी देता है एग्जीक्यूटिव ऑफिस को कि वो जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज है वो कंडक्ट कर सके। ये साल में 4 बार ही मिलते हैं। ठीक है, और इज लेड बाय द चेयरपर्सन। एक्चुअली यहां पे चेयर लिखा है, ये चेयरपर्सन ही होगा। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि कॉप क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है? इंटीग्रिटी को प्रमोट करना। कहां पे? रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स में। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये एज अ चैरिटेबल कंपनी यूके में रजिस्टर हुआ था। कब रजिस्टर हुआ था? 3 अक्टूबर 2007 को रजिस्टर हुआ था। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एजुकेट एंड एडवांस नॉलेज रिगार्डिंग द एथिक्स। ठीक है, उसके बाद ट्रस्टी बोर्ड जो है इसको मैनेज करता है। देर कैन बी मैक्सिमम 12 मेंबर्स इन द ट्रस्टी बोर्ड। यही जो है जितने भी फाइनेंशियल, लीगल एंड बिजनेस ऑपरेशंस हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इन सबको मैनेज करने के लिए। अब एथिकल इशू, मैं आपको काफ़ी देर से बता रही हूँ कि देर आर सम एथिकल इशूज़ जिनको कॉप मैनेज करता है, एड्रेस करता है, इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है। अब वो कौन से एथिकल इशूज़ हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ? लेट मी टेल यू दैट। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द हाईलाइटर। सी, सबसे पहला है प्लेगरिज्म। ठीक है, प्लेगरिज्म क्या है? इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। व्हाट इज प्लेगरिज्म? प्लेगरिज्म अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो किसी और के काम को जब आप अपना काम बता देते हो, दैट इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। फैब्रिकेशन,
कि आप जो है खुद ही डाटा बना रहे हो, यू आर क्रिएटिंग योर ओन डाटा। इसके ऊपर भी एक वीडियो है। फॉल्सिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन है सही डाटा को या फिर सॉरी गलत डाटा को आप दिखा रहे हो, दैट इज कॉल्ड फॉल्सिफिकेशन। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी मेरी मोस्ट व्यूड वीडियो है, यू कैन गो एंड चेक दैट। ऑथरशिप के ऊपर भी आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो। तो कहने का मतलब क्या है, इन सब एथिकल इश्यूज के ऊपर जो है कॉप डील करता है। प्लेगरिज्म हो गया, फैब्रिकेशन हो गया, फॉल्सिफिकेशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ऑथरशिप डिस्प्यूट्स हो गए, पीयर रिव्यू के लिए भी। पीयर रिव्यू क्या होता है बेसिकली, जब आप कहीं पर रिसर्च पेपर भेजते हो तो वो ऐसे ही पीयर कौन होता है, एक मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो चेक करने वाला। जैसे आप पेपर देते हो तो पेपर आपका कोई इंसान चेक करता है, मे बी योर टीचर, मे बी योर एग्जामिनर, हुएवर जो है वो क्या हो गया बेसिकली वो रिव्यू करता है, उसको चेक करता है। तो ऐसे ही जब भी आप एक रिसर्च पेपर भेजते हो तो वो रिव्यू के लिए जाता है, तो उसको कौन रिव्यू करता है, पीयर। तो ये क्या बन गया, पीयर रिव्यू। तो पीयर रिव्यू में भी बहुत सारी घपलेबाजी अगर कोई करता है तो कहीं ना कहीं वो ऑनेस्ट नहीं है, वो एथिकल चीजें नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने रिसर्च पेपर भेजा और उसको सही से ही उसका कंक्लूजन या उसका लिटरेचर रिव्यू सही से ही नहीं देखा गया और उसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया गया, तो कहीं ना कहीं अगर पीयर रिव्यू में भी घपलेबाजी होती है तो भी कॉप जो है उसको एड्रेस करेगा। डाटा मैनेजमेंट में, शेयरिंग में, एथिकल कंसिडरेशन, इन सब चीजों को कौन हैंडल करता है, ह्यूमन और एनिमल सब्जेक्ट को कॉप हैंडल करता है, ठीक है। गाइडेंस प्रोवाइड करना, हाई स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। देखो ये इसके बारे में मैंने डिटेल में भी यहाँ पे बता रखा है, ठीक है, डिटेल में भी आई हैव एक्सप्लेन। प्लेगरिज्म, कोप जो है प्रोवाइड गाइडेंस टू हाउ टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट, प्लेगरिज्म को कैसे डिटेक्ट करते हैं और कैसे प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, इसके बारे में भी कोप ने डिस्कस कर रखा है, बता रखी है अपनी गाइडलाइंस। फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ डाटा की कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसी ने, देखो ये जो FFP, ठीक है, दीज आर कॉल्ड दी कार्डिनल सिंस एज वेल, फॉल्सिफिकेशन, फेब्रिकेशन एंड प्लेगरिज्म, ठीक है। इसमें क्या है आपका कि पब्लिशर्स जो हैं, एडिटर्स जो हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करें या डील करें रिसर्च मिसकंडक्ट में। रिसर्च मिसकंडक्ट में बेसिकली ये तीन नौ चीज़ें आ जाती हैं और इनके बारे में गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कर रखी है कि आप कैसे उसको रिस्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे उसको करेक्ट करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है, उसके लिए भी गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, एडवाइसेज दी गई है बेसिकली। ऑथरशिप क्राइटेरिया क्या होगा, ऑथरशिप डिस्प्यूट के को कैसे मैनेज करें, किस किस ने जो है कॉन्ट्रीब्यूशन किया है उस चीज़ को कैसे मैनेज करें, ये सारी चीज़ें। पीयर रिव्यू, मैंने अभी आपको पीयर रिव्यू के बारे में बताया कि हाउ टू कंडक्ट अ फेयर एंड एथिकल पीयर रिव्यू, इसके बारे में भी जो है कॉप बात करता है। डाटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग की क्वालिटी ऑफ डाटा जो है, इंटेग्रिटी ऑफ डाटा है, वो कैसे मेंटेन रहेगी, कैसे आप एक अच्छा डाटा जो है, बेस्ट प्रैक्टिसेस आप क्या अडॉप्ट कर सकते हो फॉर शेयरिंग योर डाटा। देन एथिकल कंसिडरेशन इन कंडक्टिंग रिसर्च विद ह्यूमन और एनिमल सब्जेक्ट, देखो आपके जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ एथिकल कंसिडरेशन होती है, जैसे कि कॉन्फिडेंशियलिटी, आपको जो है उनका डाटा उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, कंसेंट आपको लेनी है बिफोर यू आर कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम दी अदर पर्सन, यू हैव टू टेक द कंसेंट, ठीक है। तो इन सारे जो एथिकल इश्यूज से कॉप कहीं ना कहीं डील करता है। अब कंप्लेन को कैसे हैंडल करता है, मान लो कि देर आर सम पीपल जो डिसओबे करते हैं चीजों को, उनको साथ जो है कॉप कैसे डील करता है, वो चीज हम अभी देखेंगे। सबसे पहले स्कोप जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि जिसने भी अगर कोई कंप्लेन की है उसको, उसका जो भी ट्री ऑल द कंप्लेन है, इन्वेस्टिगेशन है, उनको कॉन्फिडेंशियल रखेगा। दूसरा, इट विल प्रोवाइड कंसल्टेशन, एडवाइस देगा, ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा किसको, एडिटर्स को, पब्लिशर्स को, रिसर्चर्स को, हु आर डीलिंग विद सच एथिकल इशू। उसके बाद अगर फिर भी कोई जो है कंप्लेंट सीवियर है, इफ द कंप्लेंट इज रिसीव्ड और वो काफी सीवियर है या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रीच किया है किसी चीज को, तो कोप हैज द राइट टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द फैक्ट ऑफ दैट केस। द इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व कॉन्टैक्टिंग द कंप्लेंटेंट और द एक्सक्यूज पार्टी और एनी अदर रेलिवेंट पार्टी, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि वो डाटा को, दे विल ट्राई टू कीप द डाटा कॉन्फिडेंशियल एंड देन दे विल प्रोवाइड द कंसल्टेशन, दे विल प्रोवाइड द एडवाइस और द कंसल्टेशन एंड देन इन्वेस्टिगेशन करेंगे कोई भी, और फिर उसका कहीं ना कहीं देर विल बी अ रेजोल्यूशन, ठीक है, बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। कोप जो है मे रिकमेंड द रेंज ऑफ एक्शन डाटाज टू बी टेकन फॉर द एथिकल इशूज इंक्लूडिंग करेक्शन, डिस्ट्रैक्शन और द पब्लिक आर्टिकल्स, अपोलॉजीज, डिसिप्लिनरी एक्शन, तो दे विल रिकमेंड सर्टेन रेजोल्यूशन। तो अभी क्या हुआ, कंसल्टेशन दिया, इन्वेस्टिगेशन किया, रेजोल्यूशन दिया, एंड दे विल ट्राई टू एजुकेट द अदर पर्सन, दे विल ट्राई टू एजुकेट कि क्या जो है चीजें कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो दे विल ट्राई टू एजुकेट,
बिलीव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आर द की टू प्रिवेंट एथिकल, मतलब कहीं ना कहीं देखो आपको ये आपके कोर्स वर्क में ये सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ाया जा सकता है ताकि आप अवेयर हो कि प्लेगरिज्म क्या है, फैब्रिकेशन क्या है, फॉल्सिफिकेशन क्या है. अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तभी फ्यूचर में आप ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं करोगे. आपको पता ही नहीं, आप रिसर्च कर रहे हो, आपको नहीं पता कि अगर मैं अपना डाटा खुद बना रही हूँ तो वो फैब्रिकेशन में आता है और कहीं ना कहीं वो एक कार्डिनल सिन है. अगर मैं किसी का डाटा जो सही है गलत है उसको सही बता रही हूँ तो कहीं वो भी गलत है. ऑथरशिप काम किसी और ने किया है बट लेकिन मैं फर्स्ट ऑथर में अपना नाम लिख रही हूँ बिना उसके कॉन्सेंट के या कुछ भी एक्स वाई जेड चीज़ें हैं तो वो भी गलत है. तो जब तक आपको इन इश्यूज़ के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप कैसे उस चीज को जो है हैंडल करोगे. तो कोप के माम कोप भी ये मानता है कि एजुकेशन और ट्रेनिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग दीज एथिकल ब्रीचेस. ठीक है, और बहुत सारे एजुकेशनल रिसोर्सेज भी एडिटर, चाहे वो रिसर्चर्स हैं, चाहे वो एडिटर्स हैं, चाहे पब्लिशर्स हैं, उनको प्रोवाइड करता है सो दैट दे कैन डू समथिंग गुड और जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस वो अडॉप्ट कर सके. अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले आपने क्या किया, पढ़ा कॉप के फुल फॉर्म क्या है, कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स. ठीक है, इसका मेन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं किसको प्रमोट करता है, इंटीग्रिटी को प्रमोट करता है. कहाँ पे, जो भी रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स की जो प्रैक्टिसेज हैं वहाँ पे. ये कब रजिस्टर हुआ था, 3 अक्टूबर 2007 में ये यूके में रजिस्टर हुआ था एज अ चैरिटेबल कंपनी. ठीक है, जिसका मेन मिशन क्या था, बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करना फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिशर्स रिसर्चर्स. एंड फिर उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हमने ये पढ़ा कि ये बहुत सारे एथिकल इशूज से डील करता है. कौन कौन से एथिकल इशूज हैं, जैसे प्लेगरिज्म हो गया, फेब्रिकेशन हो गया, फॉल्सिफिकेशन हो गया, ऑथरशिप हो गया, पीयर रिव्यू हो गया, उसके बाद डाटा मैनेजमेंट एंड शेयरिंग हो गया. देन जब वो ह्यूमन या एनिमल ऑब्जेक्ट से डील करता है तो उसमें भी सारे इश्यूज हो गए कि वो डाटा प्रोटेक्ट करें इस तरीके से. फिर उसके बाद ये चीज़ों को कैसे सॉल्व करता है, कंसल्टेशन देता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, रेजोल्यूशन बताता है, कहीं ना कहीं सोल्यूशन बताता है. तो अब तक इसको मैनेज कौन करता है, बेसिकली ट्रस्टी बोर्ड मैनेज करता है. कितने मेंबर्स होते हैं, 12 मेंबर्स होते हैं, यही गवर्न करते हैं इसको. जो भी लीगल है या एथिकल है या फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं सबको सबको कौन मैनेज करता है, ट्रस्टी बोर्ड करता है. यही एग्जीक्यूटिव जो है वर्कर्स उनको, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनको राइट देता है जितनी भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज करने का. ठीक है, अब कहीं ना कहीं जो कॉप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देखो ये मैंने स्लाइड्स बनाई है, ये क्वेश्चन के ऊपर बनी है कि जैसे मान लो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्कोप एंड राइट अ शॉर्ट नोटेंट, तो आप ये सारी कहानियां वहां जाके लिख सकते हो. अगर आपको आपके पेपर में क्वेश्चन आता है एथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं जिनसे वो डील करता है तो उसके बारे में लिख सकते हो. आपको अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कॉप के बारे में तो वो उसके बारे में आप लिख सको. कौन कौन सी, कैसे वो कंप्लेन के साथ डील करता है उसके बारे में आप लिख सको. और कैसे क्या उसका रोल है जो है क्वालिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करने में, तो ये मैंने बुलेट पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट कर रखे हैं कि सबसे पहला क्या है, प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड रिसोर्सेज. तो अभी हमने पढ़ा कि जो कोप जो है प्लेगरिज्म हो गया, फैब्रिकेशन हो गया या कुछ भी चीज हो गया, ही जो मतलब ही कह रही हूँ सॉरी, दे ट्राई टू एजुकेट यू. अगर एजुकेट नहीं मान रहे हो तो वो आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, तब भी आप नहीं मान रहे हो तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे. इन्वेस्टिगेशन, सो दे विल प्रोवाइड यू द गाइडेंस, दे विल प्रोवाइड यू द रिसोर्सेज जो भी है आपके बेसिकली पब्लिकेशन एथिक्स के बारे में, केस स्टडीज के बारे में, ई लर्निंग कोर्सेज के बारे में. दे विल ट्राई टू प्रोवाइड द मैक्सिमम गाइडेंस एंड रिसोर्सेज. देन सपोर्टिंग पीयर रिव्यू. देखो पीयर रिव्यू इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द पब्लिकेशन. ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक अच्छा रिसर्च पेपर नहीं दिया और वो पब्लिश हो जाता है तो कहीं ना कहीं उससे इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है. तो पीयर रिव्यू इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द पब्लिकेशन प्रोसेस. सो इट हैज़ टू मीट द हाई क्वालिटी एंड द एथिकल स्टैंडर्ड्स, सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग है प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. देर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी एंड आंसरेबिलिटी इन द अकेडमिक पब्लिशिंग, ताकि जो है अगर जितनी ज़्यादा क्लियर पॉलिसीज जो है ये जर्नल्स पब्लिशर्स अडॉप्ट करेंगे डाटा शेयरिंग के ऊपर, ऑथरशिप के ऊपर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें अच्छे से मैनेज होंगी. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो कोप है वो मैनेज करता है. अभी और भी पॉइंट्स है, सबसे पहला क्या है कि गाइडेंस प्रोवाइड करना, दूसरा सपोर्टिव रिव्यू, देन देर इज ट्रांसपेरेंसी एंड देन एनकरेजिंग कोलेबोरेशन. ये ट्राई करता है कि एडिटर्स के बीच में, पब्लिशर्स के बीच में, रिसर्चर्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा कोलेबोरेशन हो ताकि कहीं ना कहीं हमारी जो इंटेग्रिटी है वो प्रमोट रहे. एथिकल स्टैंडर्ड्स को जो है एडवोकेट करना, पॉलिसी मेकर, फंडर्स, स्टेक होल्डर्स को जो है कहीं ना कहीं एंगेज करता है ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें और इनके बारे में अवेयरनेस आए. तो अभी तक आपको याद हो गया होगा अभी तक हमने क्या किया. कोप के बारे में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, ट्रस्टी बोर्ड के बारे में पढ़ा,
पढ़ा, कौन कौन से एथिकल इश्यूज से वो डील करता है, कैसे कंप्लेंट को मैनेज करता है और उसका क्या रोल होता है क्वालिटी प्रोवाइड करने में, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने में. तो दिस अपकोप की जो स्ट्रैटेजी क्या है बेसिकली स्कॉलरली इंटीग्रिटी को प्रमोट करने के लिए, वो हम देखने वाले हैं. उसका पर्पस और विजन आपको समझ आ गया होगा कि टू एजुकेट एंड एडवांस नॉलेज इन द मेथड ऑफ सेफ गार्डिंग द इंटीग्रिटी, मतलब इंटीग्रिटी को बचा के रखना है. विजन क्या है, फ्यूचर में इस तरह की हमारी एथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए कि कल्चरल नॉर्म को हम जो है बचा के रखें. मतलब तो ये स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं आएगा, देयर माइट बी सम अदर वर्ड, ठीक है, स्कॉलर या कुछ इस तरह का. अब इसका मिशन जो है वो तीन कोर प्रिंसिपल के अराउंड बिल्ड है. वो तीन कोर प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहला तो प्रैक्टिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, एजुकेट करना, सपोर्ट करना मेंबर्स को, ठीक है. दूसरा लीडरशिप प्रोवाइड करना, लीडरशिप इन थिंकिंग ऑन पब्लिकेशन एथिक्स, एक न्यूट्रल प्रोफेशनल वॉइस जो है देना करंट डिबेट्स में. तो ये तीन कोर प्रिंसिपल है कि भाई हमें जो भी इंसान आएगा उसको रिसोर्सेज अच्छे प्रोवाइड करने हैं, एक लीडरशिप इन बिल्ट होनी चाहिए उसके अंदर, न्यूट्रल प्रोफेशनल वॉइस होनी चाहिए. उसके बाद ये चीज जो है, चार स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स है जो मैं हाईलाइट करती हूँ. सबसे पहला है रेंज. रेंज है कि आपकी पहुंच कहाँ कहाँ तक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं. तो दिस इज कॉल्ड रेंज, कि दे विल ट्राई टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ द रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ द ऑल मेंबर्स इर रिस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन. दे विल ट्राई टू डेवलप न्यू रिसोर्सेज सो दैट दे कैन मीट द नीड्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ नॉन जनरल स्कॉलरली प्रोडक्ट्स. तो वो अपनी रेंज जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी है. क्योंकि अभी जो है 2023 चल रहा है, तो मीट द नीड्स ऑफ द मेंबर्स देन रीच दे विल ट्राई टू रीच द मैक्सिमम प्लेस, दे विल ट्राई टू रीच द मैक्सिमम प्लेस. और ज़्यादा से ज़्यादा वो अवेयरनेस प्रोवाइड करें सारे सेक्टर्स में, डिसिप्लिन में, जोग्राफिकल एरियाज में, ठीक है. फिर रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस इज बेसिकली रिएक्टिंग और पेइंग अटेंशन इन द मोस्ट पॉजिटिव वे, ठीक है. तो वो रिस्पॉन्सिवनेस हो गया. तो दे विल ट्राई टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन दी एथिकल इशूज ऑफ स्कॉलरली वर्क, ठीक है, ताकि अच्छे से जल्दी रिएक्ट करें, बट एक पॉजिटिव वे में, एक इस तरीके से. रेवेन्यू जो है, दे विल ट्राई टू एक्सपेंड द मेंबरशिप, बिकॉज उनका जो इनकम का सोर्स है ज़्यादातर वो मेंबरशिप से ही आता है, सो दैट दे कैन सस्टेन. एंड दे विल ट्राई टू डेवलप मोर रिसोर्सेज सो दैट दे कैन जनरेट रेवेन्यू, ताकि, क्योंकि रेवेन्यू से ही तो चीज़ें. रेंज, एंड देन यू हैव रीच, देन यू हैव रिस्पॉन्सिवनेस, देन यू हैव रेवेन्यू. ये चार जो है इसके आर है. अब ये कुछ मैंने ना शॉर्ट में, मुझे लगा यार अगर मैं पूरी हिस्ट्री डालूंगी ना तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, और स्टार्टिंग में अगर मैं हिस्ट्री डालूंगी तो और भी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, कोई बच्चा वीडियो देखेगा ही नहीं. तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसका हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स डाल दिए हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू राइट, इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सपेंड. क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, दे ट्राई टू राइट एज मच एज गुड आंसर, ठीक है. तो वो थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मैंने किया. अगर आपको 1997 से 2003 तक पहली कोप मीटिंग हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक्चुअली में जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट है, कहीं कहीं पे ये लिखा हुआ है कि 1997 में जो मेडिकल जर्नल के जो एडिटर्स हैं, दे ट्राइड टू इस्टेब्लिश इट. 2003 से 2006 के बीच में कोड ऑफ कंडक्ट जो है डिसाइड हुआ एडिटर्स के लिए, ऑथरशिप गाइडलाइंस के लिए. फिर 2006 से 9 के बीच में ये एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बन गया, ठीक है, पब्लिशर ने इसमें साइन अप कर लिया. देन 2009 से 12 के बीच में देयर वर इंटरनेशनल सेमिनार, ई लर्निंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दे ट्राई टू प्रोवाइड मोर एंड मोर एजुकेशन एंड मोर एंड मोर गाइडेंस एंड मोर रिसोर्सेज सो दैट प्रमोशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस कैन बी डन. एंड देन 2012 से लेकर 16 के बीच में दे ट्राई टू ग्रो द मेंबरशिप एंड सेमिनार इन साउथ अमेरिका एंड यूरोप. एंड देन 2017 से 19 तक चाइना वगैरह में जो सेमिनार है, ट्रांसलेटेड रिसोर्सेज वो हुआ. अब 19 के बाद ये एक नई स्ट्रैटेजी इन्होंने बनाई यूनिवर्सिटी मेंबर्स के लिए. तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कॉप्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट. काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, बिकॉज देर वॉज समथिंग यू नो देर वॉज अच्छा नहीं की थी मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड, बट अब मैं करूँगी. तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, क्योंकि रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स की यूनिट खत्म होने के बाद मैं रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, एसपीएसएस के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, रिसर्च पेपर के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, पीएचडी इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, क्या टॉपिक अपना कैसे डिसाइड करें. सो आई हैव बंच ऑफ आइडियाज इन माई माइंड दैट आई विल एग्जीक्यूट, और इनमें कुछ ना कुछ आपके लिए हेल्पफुल होगा. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.